इस दौर में युवा होना कितना मुश्किल है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, पढ़ाई पूरी करने के बाद में फिर बेरोजगारी की हालत में नौकरियों के लिए धक्के खाओ। सरकार अगर वैकेंसी निकाले तो उसके लिए यही युवा जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार की कुछ खामियां, कुछ चूक की वजह से कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी नकल में कुछ हो जाता है, कभी क्या कुछ हो जाता है, और परेशान युवा अपनी आस खो देता है कि उसकी सरकार में कहीं नौकरी लगेगी। एक आम युवा का ये हाल है। अभी हाल ही में एसआई की परीक्षा हुई, उसी को लेकर अब विवाद चल रहा है, विरोध भी हो रहा है और रद्द कराने की मांग भी की जा रही है। सूचना है कि उसका पेपर आउट हो गया था और इसीलिए काफ़ी युवा अब परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। राजस्थान में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में को लेकर विरोध काफ़ी हो रहा है। प्रदेश भर में बेरोजगार और युवा भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। भूपेंद्र यादव का कहना है कि कुछ लोग सिर्फ पेपर आउट होने की अफवाह फैला रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पेपर भेजा है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भूपेंद्र यादव का कहना है। फिलहाल पेपर आउट होने की सिर्फ अफवाह चल रही है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन में भी पेपर आउट होने जैसी बात सामने नहीं आई है। इसके साथ ही हमारे पास में भी इस तरह की कोई शिकायत या कोई सूचना सामने नहीं आई है। अब ऐसे में भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। इधर जो युवा विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। देखो, जिस प्रकार डम्मी अभ्यर्थी पेपर बीकानेर से पाली आना, 12 लोग उसमें पकड़े जाते हैं, पेपर हल हो जाता है। अलवर का मामला है तो वहाँ वीडियो आ रहा है, ओमार शीट भारी है और अभ्यर्थी ओमार शीट लेके बाहर भाग जाता है, आधे घंटे बाद वापस जमा करा देते और पेपर खुले आना, तो ये एक तरह से पेपर लीक है। 859 सीटों का जो मामला है, जो एग्जाम दी थी, 7.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी थी, आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इसमें जल्द से जल्द एसओसी जाँच हो, क्योंकि इसमें 100% धांधली है और धांधली पकड़ में भी है कि पूरे दावे के साथ कह रहे हैं जो 12 लोगों ने पेपर हल पाली से करके बीकानेर पहुंचाया, तो हजारों में ये पहुंचा धांधली हुई है और जांच में स्पष्ट होगा। जांच होने के बाद इसको रद्द किया जाए और साथ में कानून बनाए जाए, सख्त से कानून बनाए जाए। जो बिश्नोई है, जगदीश बिश्नोई है, अमृतलाल बिश्नोई है, जो बड़ी गैंग चला रहे, वो आज भी जेल से बाहर है। लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, वो आज तक नहीं पकड़े गए। तो ऐसे में कानून बनाया जाए, 10 साल की सजा का प्रावधान हो, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो सके तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए। रोजगार जो है वो बेरोजगारी रह गए और सरकार में बेरोजगार बहुत ठगा महसूस कर रहा है। 3 साल में भर्तियां, कोरोना काल के बाद में भर्तियां हुई है और भर्तियां होने के बाद इस प्रकार की धांधली और स्पष्ट रूप से आ रही है। पुलिस प्रशासन खुद रिपोर्ट में कह रहे हैं कि सर धांधली हुई है। एग्जाम करवाने की क्या जरूरत थी? हमारी मांग ये है कि एग्जाम एक दिन और रद्द हो। एग्जाम 3 दिन बजाय एक दिन में कराओ। जो 20 लाख पेपर बिक रहे हैं उनको लगाम कराओ, बगैर फिंगरप्रिंट एग्जाम, न कोई उसमें सील आ रही पेपर में, कोई जैम्बर नहीं। ये पहले पॉइंट यहीं से बनता है कि एग्जाम पहले 4 सितंबर को होनी थी। हम बेरोजगार युवा तब से लेकर के आवाज उठा रही कि आप 4 सितंबर से एकदम से डेट चेंज हुई, इन्होंने कोई रीजन नहीं दिया कि डेट क्यों चेंज की जा रही है। इसे 3 दिन करवाई गई। अगर रीट की एग्जाम आज 26 तारीख को होने वाली, 26 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे और इन बच्चों को, सिर्फ 7 लाख बच्चों को 3 दिन डिवाइड किया गया, तभी से लेकर के मामला चल रहा था जहाँ पे बात उठाई गई। और पेपर सर ने भी बताया, उपेंद्र सर ने भी बताया कि बच्चे, अधिकतर बच्चों को बाहर उठा के ले जाया गया जब एग्जाम दे रहे थे कि ये मामला चल रहा एग्जाम फिक्स है तो नौती का बड़ा एग्जाम करवा दे, आरपीसी क्यों करवा रही है? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कैबिनेट से आप बात कीजिए, रूल एंड फ्लो डिसिप्लिन एटीट्यूड गवर्नमेंट दरख्वास्त कीजिए। जो नौकरी सेकंड नौकरी ले रहे हैं ना, वो सही है और हमको रोजगार दिया जाए। हम युवा है, पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं? आरपीसी क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग है, क्यों उनका काम हो रहा है? पैसा सब कुछ नहीं है सर, आदमी का रिस्पेक्ट समझो। हम गरीब बच्चे, फार्मर है, चौधरी लोग, हम कहा से आया पैसा? अपने बाप का आ गया पैसा? मेरे बाप का पैसा है ना साहब, बहुत खुशी से कमाया जाता है। देखो मेहनत आज किया हूँ मैं, ये देखो माँ धरती प्रणाम करता हूँ। 10 साल हो गया आज एक नौकरी पाने के लिए, चक्कर पर चक्कर आरपीसी काट रहा है। राजस्थान लोक सेवा बोल रहा है उधर जाओ उधर जाओ, एक गार्ड को स्विफ्ट कंपनी में नौकरी दी जा रही है, उसको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। क्या करपजन स्टूडेंट पर इलीगली हो रहा है? इस्तीफा दो ना। युवाओं का ये आक्रोश और उनका जो भी कहना है वो बिल्कुल सही है कि आखिर परीक्षा केंद्र में मोबाइल गया कैसे? कहीं ना कहीं
किसी न किसी की तो मिली भगत होगी। जो मेहनत करने वाला बेरोजगार है, सालों से मेहनत करता है, और ऐसे में अगर इस तरह की धांधली होती है, ऐसी खबरें आती हैं, पेपर आउट होने जैसी सामने आती हैं, तो फिर गुस्सा आना लाजमी है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।